घटनाओं की सच्ची घटना एक सबक लेने के लिए काफी है। एक दिन एक मुसलमान अपनी पत्नी और 8 बच्चों के साथ गांव के मुखिया के पास आया और गांव में रहने के लिए भीख मांगने लगा। गांव की देखभाल करने वाले एक चौकीदार ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और मुस्लिम परिवार को गांव में रहने दिया। दिन बीतते गए, मुस्लिम के 8 बच्चे बड़े हुए। जब उनकी शादी की बारी आई तो मुस्लिम सरपंच के पास गए और कहा कि हुजूर के बच्चों की शादी होने वाली है और मेरे पास एक ही घर है। तो गांव वालों ने उसे एक बंजर जमीन दी और कहा कि तुम उस पर घर बनाओ। इसके बाद मुसलमान बनिया के पास गया और उससे पैसे उधार लिए। कुछ समय के बाद उन 8 बच्चों से 74 बच्चे पैदा हुए और देखते ही देखते लगभग 30 वर्षों में उस गांव में मुसलमानों की आबादी 40% हो गई। अब मुस्लिम लड़के अपनी आदत के मुताबिक हिंदुओं से झगड़ने लगे और अपनी औरतों और बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने लगे। धीरे धीरे प्रत्येक हिंदू अपने परिवार के साथ स्वेच्छा से गांव छोड़ने लगा। एक दिन गांव के मुख्य मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ दिया और उस पर मस्जिद बनाने लगे। फिर बाकी हिंदुओं ने उन्हें रोकना शुरू किया। तब मुसलमानों ने कहा कि जो कोई अल्लाह के काम में बाधा डालता है उसे काट दो। बाकी हिंदुओं ने इस झगड़े में ना पड़ते हुए गांव छोड़ दिया और जाते जाते रास्ते में चौकीदार से कहा कि हमने तुम्हारी एक नहीं सुनी और उस मुस्लिम व्यक्ति पर भरोसा किया, जिसके कारण ही आज हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है। उस गांव का नाम पंचवटी से बदलकर रहीमाबाद कर दिया गया है। ये गांव महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। ये कहानी नहीं है, सत्य घटना है। और ऐसी ही कहानी भारत के कई गांव और कई शहरों में मिल जाएगी आपको।